हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद फन। फ्रेंड्स, आज मैं सेवैया उपमा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ देखते हैं। तो पहले देखिए, मैं ये सेवैया को फ्राई कर दूंगी। इसे मार्केट में रेडीमेड फ्राई वाला सेवैया भी मिलता है, आप चाहे तो वो वाला ले सकते हैं, पर मैंने ये वाला लिया है, तो मैं अभी इसको फ्राई कर लूँगी। चलिए गैस लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई बिठा लिया है, मैं सेवैया को डाल दूंगी। अभी इसको अच्छी तरह मैं भून लूंगी। ये 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। आप चाहे तो इसको पहले से ही भून कर रख सकते हैं, जब चाहिए तो यूज करेंगे। देखिए हमारे सेवैया फ्राई हो गए हैं, इसको मैं अभी प्लेट में निकाल लूंगी। मैं उसी कढ़ाई में फिर से मैंने ये बादाम लिया है, ये बादाम को भी भून लूंगी। मैं सिर्फ मूंगफली ली है, आप चाहे तो काजू भी ले सकते हैं। देखिए जब मैं मूंगफली को फ्राई करूंगी, इसमें थोड़ा सा घी भी डाल दूंगी, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। फ्लेम को लो में रखेंगे, हमें इसको फ्राई करना है। देखिए मूंगफली हो गए, इसको भी मैं अभी एक प्लेट में निकाल लूंगी। देखिए मैंने बादाम को निकाल लिया है, अभी इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूंगी, एक चम्मच तेल डालूंगी और एक चम्मच घी डालूंगी। जब गर्म हो जाए उसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। जीरा हमारा चटकने लगा है, अब मैं इसमें देखिए एक बड़े साइज का प्याज को चॉप कर ले, उसको डाल दूंगी। डालिए देखिए प्याज हमारा सुनहरा होना शुरू हो रहा है, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें मैं अभी एक बड़ा साइज का टमाटर चॉप करके ली हूँ, इसको भी डाल दूंगी। टमाटर थोड़ा सा पक गया है, इसमें मैं अभी नमक डाल दूंगी, एक चम्मच नमक। थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी, मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च यूज किया है, एक चम्मच डाल दूंगी। अगर आप कोई दूसरा लाल मिर्च यूज करेंगे तो थोड़ा सा डालिएगा, नहीं तो आप हरी मिर्च को काट कर भी डाल सकते हैं। इसको मिला लूंगी। देखिए ना अच्छा कलर आ गया है। इसमें मैं अभी एक चम्मच गरम मसाला भी डाल दूंगी। कुछ
अच्छी तरह मिला लूंगी। देखिए मैं एक चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दे रही हूँ। अभी सारे मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। टमाटर का कच्चापन चला जाए तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए मसाले अच्छे से भून चुका है, अभी इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी का मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इस कटोरी से मैंने दो कटोरी सेवया लिए, तो इसका मतलब एक कटोरी सेवया के लिए दो कटोरी पानी डालेंगे। तो दो कटोरी के लिए मैं यहाँ पे अभी चार कटोरी पानी डाल दूंगी। चार कटोरी पानी डाल दिया मैंने। देखिए पानी देने के बाद इसको हम ढककर पानी में उबाल आने तक बैठा देंगे। देखिए पानी उबलना शुरू हो गया है, धीरे से निकाल लेंगे ढक्कन। पहले मैं इसमें जो बादाम रखी थी ना फ्राई करके उसको डाल दूंगी। फिर ये सेवैया डाल दूंगी। डाल के अच्छी तरह मिला लूंगी। देखिए पानी का मेजरमेंट थोड़ा ठीक कीजिएगा, नहीं तो ये ज्यादा पक जाएगा, समय अभी तो अच्छा नहीं लगता है ना। देखिए मैंने जो आपको मेजरमेंट कहा है आप कीजिए, देखिए परफेक्ट बनेगा। अभी मैं इसको फिर से ढक दूंगी, 5 मिनट के लिए ढक लूंगा। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन निकाल के देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से पक गया है, कितना खिला खिला बना है, मतलब अच्छे से बना है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें आप चाहे तो एक चम्मच तेल डाल सकते हैं, नहीं तो एक चम्मच घी का डाल सकते हैं। मैं एक चम्मच घी डाल दूंगी, इसका खुशबू और फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इसको मिलाकर गैस फ्लेम को मैं अभी ऑफ कर दूंगी और ढककर 5 मिनट के बाद इसको हम सर्व करेंगे। अब ढक लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। इसी हम इसको 5 मिनट के लिए रख लेंगे, 5 मिनट के बाद हम सर्व करेंगे। तो चलिए 5 मिनट के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए 5 मिनट हो गए, मैंने सर्व भी कर लिया है। देखिए कितना खिला खिला बना है, देखिए कितना झटपट भी बन गया ना। आप भी ये डिश को जरूर बनाइए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसे लगा। और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।